अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर है, जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस को डिस्कस करने वाले, जिसमें आज हम देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, दी कैमरा के बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में और फोटोग्राफिक इनलार्जर के बारे में, सही है। और फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम माइक्रोस्कोप पे पहुंचेंगे, फिर उससे अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, फिर न्यूमेरिकल वगैरह जो भी होंगे। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, सही है, तो आप वहां से इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिससे हम चीजों को जूम करके देखते हैं, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास को। जैसे अगर कोई छोटी सी चीज हो और अगर हमें उसको देखना है, साफ नजर नहीं आ रहा आंख से, तो हमें उसको देखने हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं। देखो भाई, हमारे साथ इस तरह का सीन होता है, अल्लाह ताला ने हमारे आंखों में कुछ यूं सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई जो हमारी आंख है वो इन्फिनिटी तक देख सकती है, बहुत दूर दूर तक देख सकती है। कहाँ तक देख सकती है? बहुत दूर, इन्फिनिटी तक देख सकती है, जहां तक आंख जा रही है वहां तक देख सकती है मतलब। और करीब में जितना करीब करो उतना देख सकती है, लेकिन करीब का कुछ यूं सीन होता है कि हमारे पास, अगर मिसाल के तौर पे इस मार्कर पे जो लिखाई है, अगर मैं इसको यहां से पढ़ूंगा इतना दूर रख के, तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको करीब करूंगा ये मेरे ब्लर होता जा रहा है और ब्लर होता जा रहा है। जब मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये ब्लर होके मुझे सही से नजर भी नहीं आ रहा और मेरी आंखों पर दर्द भी पड़ रहा है, सही है। तो जिस पॉइंट पे ये यहाँ लिखा हुआ है ना डॉलर, सही है, तो ये डॉलर यहाँ पर तो मेरे को सही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर मैं कर रहा हूँ तो ये नजर नहीं आ रहा, ये ब्लर होता जा रहा है, सही है। ये वो पॉइंट जिस पे आपको वो नियर पॉइंट, वो करीब का वो पॉइंट जिस पे आपको कोई भी चीज एक्यूरेट नजर आए, वो आपका कहलाता है नियर पॉइंट, सही है। क्या कहलाता है भाई? नियर पॉइंट। और इन्वेस्टिगेशन मतलब मालूमात से पता चला है कि भाई अमूमन लोगों का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी अगर आप किसी चीज को 25 सेंटीमीटर पे देखोगे तो एक तो वो आपको क्लियर भी नजर आएगा, दूसरा वो आपके आंखों पे जोर भी नहीं डालेगा, सही है। इसीलिए मोबाइल भी जब इस्तेमाल करें तो कहते हैं अक्सर लोग कि भाई मोबाइल को जरा दूर पकड़ के, तो इतना दूर के भाई 25 सेंटीमीटर पे हो, ताकि आपके आंखों पे जोर भी ना आए और आपको क्लियर भी दिखे, सही है। और इसके आगे इफेक्ट्स जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नियर पॉइंट फार पॉइंट वाले के बारे में। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी मैग्नीफाइंग ग्लास में इसके बारे में थोड़ा बताने वाला हूं, सही है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है भाई? के छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है भाई? मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ नहीं है, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है। वो जो शीशा होता है ना, वो कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, सही है। अब जब आप ये इसका एक फोकल लेंथ F1, ये इसका फोकल लेंथ F2, यहां पे 2F2 और यहां पे 2F1, जब भी आप मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज को बड़ा करके देखने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए एक लाजमी सी बात यह होगी कि आपने उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को आप फोकल लेंथ के अंदर लाओगे। फोकल लेंथ के अंदर लाने का मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में होना चाहिए। ये हमारा लास्ट वाला केस था, जो पिछले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा था, जो लास्ट केस था। सेम टू सेम वही केस है मैग्नीफाइंग ग्लास में कि भाई ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? फोकल लेंथ के अंदर रखोगे, यानी एफ और ओ के दरमियान में रखोगे, तो आपको वो इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा होके नजर आएगा। और इसको हमने देखा भी था कि भाई होता क्या है इसके साथ, कि भाई एक तो इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होती है? एफ और ओ के दरमियान में, और एफ और ओ के दरमियान में होने की वजह से यहां से अगर हम दो रेस को पास करें, एक अगर पैरेलल जा रही है तो F2 से होती जाएगी, और अगर एक ओ से होती जा रही है तो वो इस तरह से चली जाएगी, और आगे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो ये आगे जाके मीट नहीं करती, फिर हम इसको पीछे एक्सटेंड करके खुद से मीट करवाते हैं।
सही है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई छोटी सी चीज है और वो 25 सेंटीमीटर पे नजर नहीं आ रही, हम उसको आके करीब कर रहे हैं, आके करीब तो वैसे भी चीज ब्लर हो जाती है, वो फिर और भी नजर नहीं आती है, यानी वो 25 सेंटीमीटर पे भी सही से नजर नहीं आ रही, तो हम उसको ओ और एफ के दरमियान में लाके मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसका इमेज बड़ा करके बनाता है, कहां पे इस तरह से इमेज उसका बड़ा करके बनाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई आप जो इमेज देख रहे हो, ये मान लो ये आपकी आंख है, सही, आप जो इमेज देख रहे हो वो इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास कहां पे बनाता है, आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाता है, कहां पे बनाता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, इस 25 सेंटीमीटर को हम डी से डिनोट करते हैं, यानी ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, आपके उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो नियर पॉइंट पे बनाता है, और नियर पॉइंट कौन सा है, जिसपे आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आता है, क्लियरली भी नजर आता है और बड़ा भी नजर आता है, सही है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि भाई आपके लिए ऑब्जेक्ट का जो इमेज कहां पे बना दिया, वो डी पे बना दिया, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे बना दिया, और जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट क्या नजर आता है, क्लियर नजर आता है, ये हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब अगले लेक्चर में इसी मैग्नीफाइंग ग्लास को हम और डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी मैग्निफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही करेंगे कि आप डेफिनेशन को देखो भाई, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ सिंपल कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस किसको जाता है, कहा जाता है कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है, दैट कैन बी यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स लुक बिगर, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसको, मैग्नीफाइंग ग्लास को, और मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। दूसरा दूसरा यूज केस जो है वो कैमरा है, हम जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें हम तस्वीरें खींचते हैं, सही है, उसमें भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है, तो यहां लिखा हुआ है कि भाई अ कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू रिप्रोड्यूस अ स्मॉल इन्वर्टेड इमेज ऑन फोटोग्राफिक फिल्म दैट इज प्लेस्ड ऑन द बैक इनसाइड द डायफ्राम, सही है। जरा इसके डायग्राम से इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक तो कैमरे के लिए आप लोगों ने इस बात को जहन में बिठा देना है कि भाई इसको मैं जरा यहां कर देता हूं कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी कैमरे के लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो बियॉन्ड द 2F होगी, बियॉन्ड 2F1, यानी 2F के पीछे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कैमरे के लिए। जब आपका 2F के पीछे आपका ऑब्जेक्ट होगा तो आप जब कैमरे से तस्वीर खींचोगे तो एक तो वो तस्वीर छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से वो तस्वीर साइज में छोटी होती है, दूसरा वो रियल होती है, क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में देखा था कि जब हम 2F से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखते हैं, पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो रेज जब मीट होकर इमेज बनाती है तो एक वो तो वो इमेज छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, और दूसरा उस इमेज की रेज जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही होती है, इसलिए वो रियल होती है, और जब इमेज रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है। आपको मैंने बताया कि जब इमेज रियल होगी तो लाजमी सी बात है वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, लेकिन अगर इन्वर्टेड नहीं है, इरेक्ट है यानी सीधी है जैसे ये, तो वो इमेज क्या कहलाएगी, वर्चुअल। जैसे यहां पे अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का देखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है भाई, बिटवीन F1 एंड O, ये किसके लिए, मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। इसके लिए नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज इसके लिए हुआ कि भाई एक तो इसने वर्चुअल इमेज बनाई है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है, जिसमें रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही बल्कि हमने इसको एक्सटेंड करके मीट कराया, और दूसरी जो बात है वो इमेज हमारे पास सीधी बनी है, एरो देखो सीधा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का एरो भी ऊपर की तरफ है, इमेज का एरो भी ऊपर की तरफ है, वरना हमने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर की तरफ होता था, इमेज का एरो नीचे की तरफ, तो वो उल्टी होती थी, लेकिन यहाँ पे सीधी है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सही है, और साइज में ये ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे ये सीन नहीं है। यहाँ पे क्या सीन है कि भाई एक तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे रखना है,
दूसरा आपके पास जो इमेज का नेचर आएगा या फिर साइज, पहले देख लो साइज जो है वो स्मॉल आएगा इमेज का। तीसरी बात कि भाई आपके पास इमेज का नेचर कैसा आएगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो आपके पास ये होगा कि भाई रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी। सही है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई जब हम इस तरह से लेंस बनाते हैं, ये एफ हो गया, ये 2F हो गया, ये F2, ये 2F2। जब हम बियॉन्ड 2F1 के ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो एक लाइट रे ऐसे जाती है और यहां पे इस तरह से चली जाती है और दूसरी लाइट रे यहां से जाती हुई यहां जाती है। सही है, और इमेज कहां पे बनता है, बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इमेज की पोजीशन भी लिख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे आता है हमारे पास, बिटवीन F2 एंड 2F2। और जो F2 और 2F2 के दरमियान का जो इमेज होता है, अगर इमेज आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा होता है। तो ये कैमरे के साथ सीन और होता है। अब जरा कैमरे के पार्ट्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैमरे में असल में होता क्या है। देखो भाई कैमरे में, ये तो कैमरे का बाहर की कवरिंग है, सबसे आगे लगा होता है लेंस। कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। उसके बाद लगा होता है अपर्चर। अपर्चर क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है कि भाई अगर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है तो ये होल इसका छोटा हो जाएगा ताकि कम लाइट अंदर जाए। सही, और अगर बहुत ज्यादा डार्कनेस है तो लाइट अपर्चर बढ़ जाएगा लाइट को अंदर करने के लिए। सही, यहाँ पे ये एक होता है हमारे पास मिरर। मिरर आपको पता है भाई किस काम में आता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने में। लेंस लाइट को रिफ्रेक्ट करता है, मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे एक लगा होता है शटर। सही है, इस शटर का यूज केस क्या है ये भी बताता हूं मैं आपको। उसके बाद पीछे लगी होती है सेंसर प्लेट। सेंसर प्लेट वो प्लेट होती है कि जब जिस पे लाइट रेस फॉल करती है तो उस पे एक तस्वीर बन जाती है, जो इमेज बनती है वो आपकी सेंसर प्लेट पे बनती है। और एक ये ऊपर भी आपके पास मिरर बना होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने में काम आता है। और ये एरिया जो है, ये वो एरिया है कि जो आप कैमरे में ऐसे आंख लगा के देखते हो ना, ऐसे आंख लगा के देखते हो कि भाई किसी चीज को देखने के लिए, फिर उसके बाद बटन दबाते हो उसकी तस्वीर खींचने के लिए, तो वो बटन ये रहा, ये शटर बटन कहलाता है। और ये वो एरिया जिधर से आप देखते हो तस्वीर खींचने से पहले। अब आपको तो पता है कि जब हम कैमरे से जब बटन दबाते हैं तो जिधर से हम देखते हैं उधर थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए अंधेरा हो जाता है और वो तस्वीर खींच जाती है। तो होता क्या है कि भाई पहले तो यहां से लाइट रे इस तरह से आती है, इस अपर्चर से होती भी जाती है, अपर्चर से होती भी जाती है। तो ये जो मिरर है, ये मिरर इस लाइट को रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ भेज देता है। कहां भेज देता है, ऊपर की तरफ। यानी इस मिरर ने अभी लाइट का रास्ता रोका हुआ है। क्या किया है, लाइट का रास्ता रोका हुआ है। किधर जाने के लिए, सेंसर प्लेट पे जाने के लिए इस मिरर ने अभी लाइट का रास्ता रोका हुआ है और उस लाइट को ऊपर रिफ्लेक्ट कर दिया। यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाती है। तो इसी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होता है। फिर जब आप श्योर हो जाते हो कि यार ऑब्जेक्ट हाँ सही पोजिशन पे है, अब मुझे इमेज क्लिक करनी है, तो जब आपको इमेज क्लिक करनी होती है आप दबाते हो शटर का बटन। शटर का बटन जब आप दबाते हो तो ये शटर हो जाता है ऊपर। कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो मैं जरा इसको मिटा के इस तरह से ऊपर कर देता हूं। ये शटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब ये मिरर जो है इस शटर पे टिका हुआ होता है, तो ये मिरर जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। तो अब बजाय लाइट रिफ्लेक्ट होने के ऊपर जाने के, लाइट चली जाती है किधर, किधर सीधा सेंसर प्लेट पे। अब लाइट चूंकि ऊपर तो जा नहीं रही, इसीलिए जब आप बटन दबाते हो तो वहां थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, अंधेरा, क्योंकि लाइट ऊपर नहीं आ रही, जिधर आप देख रहे हो उस तरफ लाइट नहीं आ रही। लाइट अब किधर जा रही, सीधा सेंसर प्लेट पे। जब आप बटन को छोड़ते हो तो यहाँ पे सेंसर प्लेट पे इमेज बनती है और ये शटर जो है वापस अपनी जगह पे आ जाता है और ये मिरर भी अपनी जगह पे इस तरह से वापस आ जाते हैं।
तो ये प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास किसमें, कैमरे में, सही है। तो ये था हमारे पास कैमरा। अब इसके बाद आते हैं जरा हम अपने प्रोजेक्टर के ऊपर, सही है। तो मैं जरा इन दोनों को मिटा देता हूँ, इनको नोट कर लीजिए, इसकी डायग्राम को बना लीजिए। बड़ी सिंपल डायग्राम बनाई है मैंने, सही। बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन ये वाली सबसे सिंपल है। ये सेंसर प्लेट, अगर आपको पता हो जो रील वगैरह होती है कैमरे में, ये वो चीज है, सही, जिसपे इमेज बनती है। अच्छा जरा इसको मिटा देते हैं। अब जरा देखते हैं प्रोजेक्टर को। तो प्रोजेक्टर भी सबने देखा है कि प्रोजेक्टर क्या होता है, कि जो हमारे पास दीवारों पे या बड़े बड़े पर्दे लगा के उसपे वीडियो वगैरह को या तस्वीर वगैरह को बड़ा करके दिखाया जाता है, सही है। कमरे में अंधेरा करके और प्रोजेक्टर लगा के किसी तस्वीर या वीडियो को बड़ा करके दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ प्रोजेक्टर यूजेस अ कॉन्वेक्स लेंस, एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करता है एज अ प्रोजेक्टर लेंस, प्रोजेक्शन लेंस, प्रोजेक्शन लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करता है। एंड पेयर ऑफ कंडेंसर लेंसेज, कंडेंसर लेंसेज इस्तेमाल करता है टू प्रोड्यूस अ लार्ज इन्वर्टेड एंड रियल इमेज ऑन स्क्रीन। अब जरा यहां पर देखो, ये सारी बातें समझने के लिए अब जरा यहां हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक तो यहां पे लगा होता है प्रोजेक्टर में कॉनकेव मिरर, कौन सा कॉनकेव मिरर, जिसकी बाहर वाली साइड पॉलिश्ड हुई होती है, अंदर वाली साइड क्या होती है, शाइनिंग होती है, सही है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम आती है। ये मान लो हमने बना दिया, क्या क्या बना दिया, ये मान लो हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। इस वाली डायग्राम को अभी ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अभी जो मैं ये वाली डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, जो एक्चुअल डायग्राम है इसके बाद बनाता हूं। यहां पे हमने एक रखा होता है लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स आप बल्ब मान लो, जो भी मान लो, जिससे लाइट आएगी। लाइट सोर्स के बाद यहां पे हमारे पास दो लेंस रखे होते हैं, कंडेंसर लेंस जिसको हम कहते हैं। ये कंडेंसर लेंस एक्चुअल में कन्वेक्स लेंस ही होते हैं। कौन से लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की तीन टाइप्स है, एक ये वाली, ये दोनों तरफ से कन्वेक्स होता है जिसको हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, एक ये वाली होती है इसको हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस कहते हैं, सही है, और दूसरा इस तरह से होता है कि जिसका एक साइड कॉन्वेक्स होता है और एक साइड कॉनकेव होता है। ये वाला प्लेनो कॉन्वेक्स कहलाता है, एक साइड प्लेन है दूसरा साइड कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स, एक साइड भी कॉन्वेक्स है दूसरा साइड भी कॉन्वेक्स है, तो ये डबल कॉन्वेक्स कहलाता है, सही है। और यहां पे अगर आप देखो तो एक साइड अंदर की तरफ जा रही है, जो कि अंदर की तरफ जाने वाला हमने देखा है कि भाई वो किसमें होता है, कॉनकेव लेंस में, तो इसको इसी इस, और एक साइड इसका कॉन्वेक्स है, तो इसको इसीलिए हम कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसकी एक साइड क्या हो चुकी है, कॉनकेव जैसी हो चुकी है, सही है। लेकिन बिहेव ये फिर भी कॉन्वेक्स लेंस की तरह करता है, कन्वर्स करता है इसको, सही है। तो यहां पे हमारे पास कौन सी लेंस इस्तेमाल की गई है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, सही है। उसके बाद हमारे पास लगाई जाती है एक कॉन्वेक्स लेंस, क्या लगाई जाती है भाई, एक कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसको हमने कहा। उसके बाद आगे लगा होता है हमारे पास एक पर्दा कह लो, जो भी कह लो, जिसपे आपको इमेज नजर आएगी, सही है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान में इसको कंडेंसर कहते हैं, सही है, कंडेंसर लेंस भी कहते हैं और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, सही है। तो कंडेंसर लेंस नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फिलहाल। चलो यहां पे हम करते क्या है कि भाई इन दोनों के दरमियान में हम क्या रख देते हैं, उस लाइट को रख देते हैं, यानी मान लो उस ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जिसको हमने डिस्प्ले कराना है, किस पे, इस पर्दे पे, इस पर्दे पे हमने जिस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कराना है वो हमने कहा रख दिया, कंडेंसर लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के दरमियान में। और ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी पोजीशन क्या होती है, इसकी पोजीशन अगर हम इस कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से देखें तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो आपके पास आएगी क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी आपके पास बिटवीन F1
एंड 2F1। सही है, क्योंकि हमने देखा है कि जब आप ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के दरमियान में रखते हो तभी आपके पास जो इमेज का साइज है वो बड़ा होके आता है, यानी यहां से इस तरफ जाएगा और यहां से यूं जाएगा। सही है, तो ऑब्जेक्ट के लिहाज से इमेज का इमेज का साइज तभी बड़ा आता है जब आप क्या करते हो ऑब्जेक्ट को 2F और F के दरमियान में रखते हो। तो इसके लिए प्रिंसिपल क्या है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F और F के दरमियान में होना चाहिए। अच्छा, जब 2F और F के दरमियान में होगा तो आपको पता है भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता है भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा भाई, पोजीशन ऑफ इमेज होगा बियॉन्ड 2F2। सही है, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा ये भी हमें पता है भाई, रेज एक्चुअल में मीट करेंगी और तो नेचर ऑफ इमेज हमारे पास आएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आएगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज का जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें बड़े पर्दे पे ये मूवी या वीडियो चलानी है। सही है, तो ये चार बातें तो नोट कर लीजिए। अब इस मिरर को यहां पे क्यों लगाया गया, देखो भाई जब यहां से इस लाइट की सोर्स से लाइट रेज निकलती है तो कुछ लाइट रेज यहां जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी और कुछ पीछे की तरफ भी तो जाएंगी, ऐसा है कि नहीं है, कुछ पीछे की तरफ भी जाएंगी। तो जो पीछे की तरफ जाती है उन पीछे की तरफ जाने वालों को ये क्या करता है, ये कॉनकेव मिरर आपके पास इसको रिफ्लेक्ट बैक करा देता है, क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट बैक करा देता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करा देता है। अभी फिलहाल सिर्फ मैं आपको एक रे के थ्रू इसका डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि हमने जो अभी रे डायग्राम पढ़ी है वो कुछ इस तरह की पढ़ी है कि जिसमें हम ऊपर नीचे नहीं देखते, सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं। जैसे अभी हमने यहां पे इस तरह से बनाया और इमेज हमारे पास जो बना वो कुछ यू बना, इस तरह से हमने देखा। लेकिन इसमें होता क्या है कि भाई लाइट रेस खाली जरूरी थोड़ी है यहां से निकलेंगी, ये ऑब्जेक्ट मान लो अगर यहां तक है तो लाइट रेस यहां से भी तो निकलेंगी, कुछ रेस यू जाएगी और कुछ रेस यू जाएंगी। सही है, तो हमने सिर्फ क्या देखा है, हमने सिर्फ एक साइड का देखा है लेंस का और उसी साइड के हिसाब से हमने इमेज का बनना देखा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ एक रे को डिस्कस करके पहले आपको बता रहा हूं, फिर मैं इसकी एक्चुअल डायग्राम बनाऊंगा। एक रे जो मैं इसकी बना रहा हूं वो मैं इस आगे वाले को लेके जा रहा हूं। आपको पता है कि भाई जब हमने रूल्स पढ़े थे, जब रूल्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि भाई जब अगर कॉन्वेक्स लेंस के पास रे कन्वर्ज हुई यानी डिस्पर्स हुई आती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकल पॉइंट है, और अगर रे कुछ यू आ रही है, हमने तो कहा था कि फोकल पॉइंट्स होती आ रही है, लेकिन अगर रे यू आए इस तरह से टेढ़ी रे आए तो जब ये कॉन्वेक्स लेंस से टकराती है तो ये इसको पैरेलल कर देती है, क्या कर देती है, पैरेलल करती है। तो हम इसको कहते हैं इस तरह से कि भाई कन्वर्ज रे अगर आ रही है तो इसको क्या कर देगी, पैरेलल कर देगी, लेकिन अगर पैरेलल रे आ रही है तो इसको कन्वर्ज कर देगी। अब जरा बताओ ये रे कैसी है, ये रे कन्वर्ज है कि नहीं है, टेढ़ी है कि नहीं है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के मदद से जो कंडेंसर लेंस जो है ये रे क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल हो जाने के बाद ये इस ऑब्जेक्ट से क्या करेगी, टकराएगी। पैरेलल होने के बाद ये रे क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट से टकराएगी। अब जैसा कि हमने आपको इस रे डायग्राम में इमेज का बनना सिखाया, मैं उसी तरह से भी कर रहा हूं कि भाई मान लो इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकली, एक रे सीधी चली गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो इस तरह से चली जाएगी, सही है, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो वो सीधी जाती हुई चली जाएगी, यानी कुछ यू जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो सीधी सीधी चली जाएगी, कन्वर्ज नहीं होगी, लेकिन अगर पैरेलल आ रही है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी। सही है, तो इस पॉइंट पे ये दोनों रेस मीट किए हैं, तो यानी यहां पे इसका क्या है, इमेज बना है। अब देखो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने लिया,
अभी स्लाइड का पूरा हिस्सा कंसिडर नहीं करो, इस स्लाइड का सिर्फ ये वाला हिस्सा कंसिडर करो जहां तक ये एरो बना रहा हूं। तो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट और इतना बड़ा इमेज, यही काम होता है किसका, स्लाइड प्रोजेक्टर का, प्रोजेक्टर का। अब ये इमेज आप कहोगे कि भाई उल्टी बन रही है लेकिन हमें तो प्रोजेक्टर पे सीधी दिखती है, तो ये चालबाजी क्या करते हैं कि भाई स्लाइड को उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा करते हैं तो इमेज क्या बनेगी, आपको दिखने में सीधी बनेगी, उसके लिए उल्टी है लेकिन आपके लिए सीधी हो जाएगी, सही है। अब जरा हम इसकी एक्चुअल डायग्राम को बना लेते हैं, सही है। तो इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये मैंने इसलिए किया ताकि आपको एक रे के हवाले से समझ आ जाए, क्योंकि अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, अगर वो मैं पहले बना देता तो आपको समझ नहीं आता। एक रे के हवाले से अगर आपको इमेज समझ आ गया तो अभी जो मैं दूसरे डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि उस दूसरी डायग्राम में हम सिर्फ एक रे को नहीं दिखाते, हम तीन चार रेस को दिखाते हैं, सही है। तो उसमें आपके फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, सही है। अब जरा इसकी एक्चुअल डायग्राम बनाते हैं। ये कंकेव मिरर, ये मान लो मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, ये बल्ब टेढ़ा वेढ़ा, ये दो कंडेंसर लेंसेज, सही है, थोड़े से अजीब बन गए लेकिन बन गए, सही है। फिर यहां पे आ जाता है स्लाइड, उसके बाद आ जाता है भाई हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ये आ जाएगा हमारे पास वो पर्दा जिस पे ये वीडियो या फिर इमेज डिस्प्ले होगा, सही है। एक रे तो यहां से इस तरह चली गई और दूसरी रे यहां से यू गई और रिफ्लेक्ट होके कंडेंसर लेंस से टकराई, इस तरह से यहां से भी एक रे यू चली गई और दूसरी रे यहां से टकरा के यहां चली गई, सही है। अब ये सारी की सारी रेस कन्वर्जिंग रेस हैं, तो इन सब रेस को ये क्या कर देगा, पहला वाला लेंस इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, पहला वाला लेंस इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, इस वाली रे को भी पैरेलल कर देगा और इस दूसरे कंडेंसर लेंस के पास पैरेलल रे को भेजेगा, सही है। इसी तरह से यहां से भी ये पैरेलल हो जाएगी, यहां से भी ये पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो दूसरे पहले कंडेंसर लेंस से जो रे आई है वो दूसरे कंडेंसर लेंस के लिए सीधी सीधी आ रही है, तो जब सीधी सीधी आ रही है ये इसको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा ऑब्जेक्ट के लिए, इस तरह से ये भी कन्वर्ज हो जाएगी। और कन्वर्ज होने के बाद इस इमेज में जो आपकी बुक में इमेज बनी हुई है उसमें से सारी की सारी रेस को ऑप्टिकल सेंटर में से पास कराया है, तो इसलिए मैं भी यहां पे सारी सारी रेस को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूं, तो सारी की सारी रेस इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास करे, लेकिन जो आपकी बुक में दिखाया है वो कुछ यूं दिखाया कि भाई तीन चार रेस दिखाई है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास की गई है, सही है। और अगर आप देखो तो ये रेस कहां कहां तक गई है, तो जहां जहां तक ये रेस गई है वहां वहां तक इसकी क्या बनी है, इमेज बन गई है, वहां वहां तक इसकी क्या बन गई है, इमेज बन गई है। और इमेज को सीधा दिखने के लिए इस स्लाइड को उल्टा कर दिया जाता है। बाकी इस इमेज की अगर लेबलिंग करना चाहो तो ये आ गया कॉनकेव मिरर, ये आ गया आपका लाइट सोर्स, ये कंडेंसर लेंस, ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आ गया आपका स्लाइड, सही है। और इसको डिस्प्ले या कोई भी पर्दा वर्दा जो बुक में देख लेना, नाम है मेरे जहन से निकल गया, सही है। अब अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करते हैं, फोटोग्राफिक इनलार्जर। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारे पास फोटोग्राफिक इनलार्जर। इसका मैकेनिज्म भी सिंपल सिंपल प्रोजेक्टर की तरह ही है, लेकिन ये इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, सही है। चूंकि हमने देखा है कि भाई प्रोजेक्टर पे जब हम इमेज देखते हैं वो इतनी साफ नहीं होती, लेकिन ये जो फोटोग्राफिक इनलार्जर है ये तस्वीरों को बड़ा करके दिखाता है और एक पेपर पे बड़ा करके दिखाता है। इस तरह नहीं है कि पूरा दीवार पे बड़ा करके दिखाता है, ये एक बड़ा सा डिवाइस होता है जो कि पेपर पे एक तस्वीर को बड़ा करके दिखाता है। अब
उस डिवाइस के बारे में हमें नहीं जानना, हमने सिर्फ किस चीज के बारे में पढ़ना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये भी एक कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करती है टू प्रोड्यूस अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द फिल्म ऑन द फोटोग्राफिक पेपर। सही है, इसके लिए भी कंडीशन वही है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होना चाहिए, 2f और f के नहीं सॉरी हाँ ऑब्जेक्ट का पोजीशन 2f और f के दरमियान होना चाहिए, इमेज आपके पास बनेगा बियॉन्ड 2f2, और नेचर जो इमेज का होगा रियल और इन्वर्टेड होगा, और इमेज का साइज जो होगा वो मैग्निफाइड होगा, मैग्निफाइड यानी बड़ा होगा। अब जरा इसकी डायग्राम बनाकर देखते हैं, तो सिंपल जैसे हमने उसमें इस तरह से लाइट इस्तेमाल की थी ना, तो जिसकी वजह से लाइट रेस इधर भी जा रही है, 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 तो एक जगह फोकस नहीं हो पा रही, जिसके लिए हम यहाँ पे कनकेव मिरर भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कनकेव मिरर नहीं लगाते, यहाँ पे समझो आप एक ऐसा टॉर्च लगा दिया आपने, सही है, लेजर लाइट जैसे नहीं होती जो कि बिल्कुल एक पॉइंट पे जाके लाइट लगती है, और जैसे ये दूसरे कमरों के अंदर जो बल्ब होते हैं उसकी लाइट को सारी जगह फैल जाती है, लेकिन जो लेजर लाइट होती है या टॉर्च होते हैं उसकी लाइट बिल्कुल एक जगह पॉइंट होती है, उस तरह से हमने मान लो एक टॉर्च लगा दिया, सही है। अच्छा, और यहाँ पे हमने दो कंडेंसर लेंस लगा दिए, हाँ भाई क्या लगा दिया यहाँ पे, दो कंडेंसर लेंस लगा दिया हमने यहाँ पे, और बाकी सिस्टम बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह ही है, सही है। दो कंडेंसर लेंस लगा दिए, एक स्लाइड लगा दी जिसको बड़ा करके दिखाना है, उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस लगा दी, उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन जो फोटोग्राफिक पेपर है जिसपे ये इमेज बड़ी होके नजर आएगी, सही है। यहां से मान लो दो रेज निकल गई इस तरह से, सही है, इस तरह से दो रेज निकली, रेज तो काफी निकलती है लेकिन हमने दो रेज को स्टडी किया। जब इस कन्वेक्स लेंस जो कि कंडेंसर लेंस है उसके लिए ये रे के डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग रे है यानी टेढ़ी आ रही है, तो ये इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। पैरेलल करने के बाद ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, पैरेलल पहले वाले कंडेंसर लेंस ने इसको पैरेलल कर दिया, अब दूसरे वाले कंडेंसर लेंस के लिए ये पैरेलल है, तो पैरेलल होने की वजह से ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा यानी टेढ़ा कर देगा, सही है। हमने देखा है ना कि भाई जब पैरेलल आता है तो इस तरह से फोकस से जाती है, फोकस से जाने का मतलब क्या है कि भाई ये इस लाइट रे को टेढ़ा कर दिया इसने लेंस ने, तो इसी तरह से पहले तो रे टेढ़ी थी तो लेंस ने इसको क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया। हमने देखा था कि भाई लेंस अगर के पास रे अगर इस तरह से टेढ़ी आ रही है तो वो इसको सीधा कर देता है, लेकिन अगर सीधी आ रही है तो वो इसको टेढ़ा कर देता है, तो यहां से सीधी टेढ़ा आ रहा था तो इसने सीधा कर दिया, फिर दूसरे वाले के लिए सीधी रे आ रही थी तो इसने इसको टेढ़ा कर दिया, और टेढ़ा करने का ये कहां से जा रहे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जा रहा है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। अगर कहीं और से जाता तो लेंस लाइट रे रिफ्रेक्ट होकर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो इसीलिए इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। और यहां से भी यही सीन है कि भाई पहले वाले ने इसको सीधा कर दिया, दूसरे वाले ने वापस टेढ़ा करके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, तो ये जो एरिया है ये आपके पास इमेज कह दिया होता है, यहाँ पे आपके पास इमेज बनती है, सही है। तो ये वही लाइट सोर्स एक, सही है, ये कंडेंसर लेंस, ये आपके पास एक स्लाइड आ गया, स्लाइड से मुराद आपका वो ऑब्जेक्ट, ये आपका कन्वेक्स लेंस आ गया, ये आपकी स्क्रीन आ गई जिसपे आपको इमेज दिखेगी, सही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने आज के लेक्चर में हमने देखा कि भाई कन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या हैं, जिसमें हमने मैग्नीफाइंग ग्लास को देखा, कैमरा को देखा, प्रोजेक्टर को देखा, फोटोग्राफिक इनलार्जर को देखा, सही है। तो आज के लिए अपना लेक्चर यहीं रखते हैं, इस लेक्चर की तैयारी करें, नोट्स बनाएं, जिस तरह बनाएं इसमें जितना लिखा है उतना याद करो, इसके इन चीज़ों के हवाले में और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।